हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीस्टाइल टिप्स। मैं हूँ रेनी। ऐसे आप सब, सरस्वती पूजा आने वाली है तो उसके लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। सरस्वती पूजा हो और हम येलो आउटफिट ना पहने ऐसा तो कभी नहीं होता है, तो आज का ये लुक है उसी के ऊपर। मैंने यहाँ पर येलो साड़ी के साथ ये लुक क्रिएट किया है। ईजी सा ही लुक है। आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर स्किन को मॉइस्चराइज करने से। तो मैं यहाँ पर लिया है गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल। उसको मसाज करने के बाद मैं स्टार्ट करूंगी आईज से। तो आईज में मैंने यहाँ पर लगाया है कंसीलर एज ए आई शेडो प्राइमर, जो कि मैं हर टाइम ही करती हूँ। ये है कलर एसेंस का कंसीलर। इसके बाद मैं इस कंसीलर को सेट करूंगी लूज पाउडर से। आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट है, रोज इन द एयर। मैं यहाँ पर क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ ट्रांजिशन शेड को लेके। उसके बाद मैं हल्के हाथों से इसको सर्कुलर मोशन से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। अब मैं लूँगी ये मेटालिक सा शेड। इसको मैं ऑल ओवर लिड में लगाऊंगी। बहुत प्यारा शेड है, मेटालिक सा शेड है, शिमरी नहीं है एकदम भी। अब मैं लूंगी ये गोल्डन सा शिमरी शेड। इसको मैं फिंगर के हेल्प से लगाऊंगी, जस्ट लिड के मिडिल में लगाऊंगी ताकि लाइट इसको कैच कर पाए और ये थोड़ा सा शाइनी दिखे। और इसके एजेस को मैं बस थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी लाइनर। ये स्टेक वर्की का है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा विंग टाइल ड्रॉ करूंगी। मैं यहाँ पर काजल का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं बस लाइनर का ही यूज कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं चली जाऊंगी फेस के तरफ। तो अंडर आई एरिया को मैं कंसील करूंगी सेम कंसीलर से। ये कलर सेंस का कंसीलर है। अब इसको मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं वही ट्रांजिशन शेड को लेके मैं लोअर लैश लाइन में थोड़ा सा लगाऊंगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। यहाँ पर मैंने फिटमी का फाउंडेशन यूज किया है। आप अपना फेवरेट सा कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हो। मैं पहले इसको फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी अपने ऑल ओवर फेस में। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी। तो नेक्स्ट स्टेप है ब्रॉन्जिंग का। तो ये है सिवाना का ब्रॉन्जर। मैं इसका ये डार्क वाला शेड को लेकर कंटूर करूंगी और अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लूंगी। थोड़ा सा मैं नोज का भी कंटूरिंग करूंगी यहाँ पर। ये थोड़ा सा पतला सा ब्रश लिया है मैंने कंटूर को करने के लिए और इसको अच्छी तरीके से अपने नोज एरिया के साइड में मैं ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने यूज किया है लिपस्टिक। तो मेरा आउटफिट येलो है तो आई थिंक येलो के साथ रेड लिपस्टिक ही ज्यादा अच्छा जाता है। तो मैंने यहाँ पर चूज किया है रेड लिपस्टिक। ये है वेट एंड वाइल्ड का स्टॉपलाइट रेड और उसी लिपस्टिक को एज ए ब्लश मैं यहाँ पर यूज करूंगी। तो यहाँ पर आपका छोटा सा टिप्स ये है कि कभी भी आप अगर कंफ्यूज रहे कि कौन सा ब्लश हम यूज़ करें लिपस्टिक के साथ,
जो मैच हो, तो आप वही लिपस्टिक को एज ए ब्लश यूज कर सकते हो। अब मैं एक ब्रश के हेल्प से कॉन्टोर को और ब्लश को एक साथ ब्लेंड करूंगी ताकि ये दो डिफरेंट डिफरेंट ना दिखे। अब मैं हाईलाइट कर लूंगी अपने चीक्स को। ये है सिवाना का हाईलाइटर। मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग करूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये डे टाइम का लुक है। मैं नोज में और अपने चीक्स में हाईलाइटर यूज करूंगी। उसके बाद मैं अपना आईब्रोज को फिल करूंगी। ये है मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल, बहुत ही अच्छी पेंसिल है। मैं यहाँ पर पहले लाइंस बना रही हूँ, उसके बाद मैं गैप्स को फिल कर रही हूँ। तो ये है हमारा फाइनल फिनिश लुक आज का। आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा हो। बहुत सिंपल सा लुक है, बिंदी के साथ और ये ब्यूटीफुल सा नेक पीस के साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का ये लुक। आप चाहे तो कोई और कलर का आउटफिट के साथ ये लुक ट्राई कर सकते हो, पर ये सरस्वती पूजा है तो इसके लिए मैंने येलो कलर का आउटफिट चूज किया है। अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ थम्सअप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।